दिया। आज विडंबना है कि सबसे ज्यादा कोई आदमी कोसता है तो पुलिस को ही कोसता है, पर आज आम आदमी सुख शांति से बैठा है। राजस्थान में अगर अमन चैन है तो पुलिस की कारण ही है। पर दिक्कत तब आती है कि जब दो व्यक्ति पुलिस के पास जाते हैं तो उसमें एक गलत और एक सही होना ही है, पर हर गलत आदमी भी यही सोचता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि सब अपने आप को एक सही सोचते हैं। वहाँ दिक्कत आती है और वहाँ वो ये सोचता है कि पुलिस हमारे पास गलत कर रही है, पर हकीकत में ये है नहीं, क्योंकि पुलिस तो अपने अनुसंधान से चलती है, जो उसके सामने साक्ष्य आते हैं उससे चलते हैं। आज मुख्यमंत्री ने एक अच्छा बजट दिया और विशेष तौर से पुलिस में और कैसे सुधार किया जाए उसकी तरफ से देखा, क्योंकि आज का समय जहाँ अपराध भी देखें तो अपराधी भी बड़े शातिर हो गए। आज अपराधी हाईटेक हो गए हैं, उनका तरीका चाहे चोरी का हो चाहे अपराध करने का हो वो बदल गया है पहले की तरह से, और उसी के हिसाब से पुलिस की जांच का दायरा है वो उसी तरह होना चाहिए, पर संसाधन जो हैं वो उतने उपलब्ध नहीं है जितने उपलब्ध होने चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी अच्छा निर्णय किया है कि 5 लाख कैमरे हम पुलिस थानों को उपलब्ध कराएंगे, तो मैं ये कहूँगा इनको जल्दी से जल्दी लगवा दिए जाए, क्योंकि आज किसी भी अपराध में अनुसंधान होता है तो पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए अपने को, कहीं उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाए मोबाइल से, तो मोबाइल से जो लोकेशन ट्रेस है उसमें भी बहुत समय लग रहा है आज। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एक्सपर्ट हैं आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो कम हैं, तो एक पुलिस में एक जो भर्ती कांस्टेबल की है उसके साथ साथ कोई इस तरह का एक कैडर बनाया जाए कि जिसमें सिर्फ आईटी एक्सपर्ट हो, जो मोबाइल आधुनिक जो साइबर जुड़े अपराध हैं जिनको ट्रैक कर सकें, क्योंकि अभी माननीय सदस्य ने काफ़ी बताया और वास्तव में सही है कि जो आत्महत्याएँ अभी हो रही हैं उसमें से बहुत से ऐसी आत्महत्याएं हमारे पास भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका लिंक उसके मोबाइल में मिलता है, और मोबाइल में लिंक मिल रहा है इसका मतलब है कोई न कहीं वो इसके कारण वो कहीं ना कहीं शिकार हुआ है, चाहे धोखाधड़ी का हो या कई बार और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दिखा रहा है। तो इसमें तभी पुलिस ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी कि उसके पास ऐसे विशेषज्ञ होंगे, क्योंकि जब भर्ती होती है वो कांस्टेबल के अपन जाते हैं 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भर्ती होता है, पुराने कांस्टेबल हैं जो पुराने उस समय की तकनीक थी, तो इसको भी इस बजट में लेना चाहिए। और भी मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि डिप्टी स्तर पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, अच्छा सराहनीय प्लेयर है। एक उन्होंने एक जो एंटी ड्रग टास्क फोर्स का बजट में प्रावधान किया है कि इसको गठित किया जाएगा, तो अगर उसको गठित किया जाए तो उसका दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण ड्रग्स का भी है, शराब माफिया है, लेकिन ड्रग्स जो है वो एक नशे का जो एक रूप है वो शराब से आगे चला गया है, विशेष तौर से जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से वो आगे बढ़ता हुआ पूरे राजस्थान की तरफ से फैलता जा रहा है, और वो तभी संभव हो पाएगा कि जो ये टास्क फोर्स अगर बना रहे हैं इसका बखूबी इतना दायरा बढ़ाया जाए और इसमें भर्ती हो इतनी हो, उसके पास इतने संसाधन हो और इतना स्टाफ हो कि वो पूरे तरीके से काम कर सके। हाँ, बहुत एक बढ़िया निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज पुलिस के पास एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उसका आधा स्टाफ कुछ ऐसे कामों में लगा रहता है कि जिससे जो नफरी पहले ही कम है और उसमें भी से कम हो जाती है, तो उसका विकल्प हो सकता है जो होमगार्ड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो एक तो पुलिस के पास आदमी उपलब्ध होंगे और दूसरा होमगार्ड जो कि उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। विशेष तौर से अपन देखते हैं मेले लगते हैं, मेलों में आधा स्टाफ चला जाता है, उस थाने का तो पूरा ही चला जाता है, बल्कि जिला पुलिस लाइन से भी स्टाफ बुला लिया जाता है, और काम क्या करती है वो पुलिस वहाँ, सिर्फ या तो उनको लाइनों में लगा रही है जो होमगार्ड भी आराम से लगा सकता है, वहाँ कोई अपराध या कोई घटना का काम नहीं हो रहा है, या वहाँ वो जो वाहन है वाहनों को इधर उधर करवा रही है, ट्रैफिक दे रही है, तो वो एक आम होमगार्ड का आदमी भी कर सकता है, बस एक
पुलिस या दो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हो या एक एसएसएल को, उसके बाद में 10-20-30 होमगार्ड के आदमी हो, उनसे इस प्रकार के काम हो सकते हैं, जिससे कि जो पुलिस है वो भी अपना दूसरा काम सुचारू रूप से कर सकती है और होमगार्ड का भी अच्छा सा। दो मिनट है तो दो मिनट में मैं बात एक और करूँगा जेल की, कारागार विभाग की, कि कारागार विभाग की सभी ने मान की कि एक आज थाने बढ़ गए, आज मुंसिप कोर्ट ट्रायल कोर्ट काफ़ी बढ़ गए, तो उस हिसाब से जो जेलों की संख्या है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो कम से कम हर तहसील मुख्यालय पर या जहाँ जहाँ मुंसिप कोर्ट है वहाँ सब कारागार होना जरूर है। मैं सुजानगढ़ की, मेरे क्षेत्र की बात करूँ, 6 थाने हैं, 2 डिप्टी स्तर के ऑफिस हैं, एडिशनल एसपी स्तर का है, पर कारागार नहीं होने से कि उनको 50-100 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। तो पुलिस का एक काम भी बढ़ा हुआ है और दूसरा आम आदमी को भी उससे परेशानी है। तो अगर उप कारागार सुजानगढ़ में खोला जाता है तो दोनों को ही फायदा होगा। दूसरा, जो यातायात और ट्रैफिक की जो सुजानगढ़ शहर में पर्टिकुलर देखें समस्या है, और एक सालासर गांव छोटा है वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सालासर की समस्या ये है कि वहाँ का थाना दिन भर मंदिर में आने वाले वीआईपीओं की है, उनकी सेवा में लगा रहता है, प्रोटोकॉल है, लगना पड़ता है, वीआईपीज आते हैं, जजेज आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, पूरे देश से आते हैं। और दूसरा, वाहनों की और भीड़ की इतनी समस्या रहती है कि पूरा थाना उसी की व्यवस्था में मंगलवार और शनिवार को तो लगा ही रहता है, और आजकल रविवार को उससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो वहाँ एक अलग से चौकी स्थापित हो जाए मंदिर के लिए, ताकि वो मंदिर की व्यवस्था और उसको देखता रहे, जिससे कि पुलिस थाना और उसके अंतर्गत जो इतना बड़े गांव और इतना बड़ा है उसको थोड़ी सी सुविधा हो जाए काम करने के लिए। और दूसरा, सुजानगढ़ शहर में अलग से इसका एएसआई स्तर का एक ब्लॉक है, और ट्रैफिक का एक अलग बनाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, विशेषकर छोटे कस्बों में जहाँ गलियाँ तंग होती है और ज़्यादा समस्या होती है। बड़े शहरों में तो फिर भी जगह ज़्यादा होती है, थोड़ी रास्ते होते हैं, मगर छोटे शहरों में जाम की ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये दिक्कत होती है। एक मैं मांग करूँगा कि लास्ट मांग की, लालगढ़ जो बिदासर सांडवा थाने के अंतर्गत आता है वहाँ एक चौकी खोली जाए, क्योंकि वहाँ से, वहाँ की दूरी 45-50 किलोमीटर उन गाँव की दूरी है, तो वहाँ के लोगों को आना पड़ता है बार बार किसी भी काम से, और सांडवा की पुलिस को भी उन का लालगढ़ और आसपास के गाँव की व्यवस्था देखने में बहुत समय लगता है। तो वहाँ एक पुलिस चौकी खोल जाए तो वहाँ मदद होगी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।